आप देख रहे हैं SNN 7 न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SNN 7 न्यूज और मैं आपका साथी कपिलेश शर्मा। भाजपा ने जैसे ही शनिवार शाम विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों की पांचवी सूची जारी की, वैसे ही घोषित प्रत्याशियों के घर उनके समर्थकों का जमावड़ा लग गया और जश्न का माहौल बन गया। बात सेंधवा विधानसभा की करें तो यहाँ पर भाजपा ने पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य पर पुनः विश्वास जताया है और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। आर्य के नाम की घोषणा जैसे ही लगी, वैसे ही उनके समर्थक आर्य के घर फूल मालाएं ढोल ताशे लेकर पहुंच गए और जश्न मनाने लगे। आपको बता दें कि आर्य को 1990 के बाद पार्टी ने अब 8वीं बार अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिसमें आर्य ने 4 बार पार्टी को क्षेत्र में विजय दिलाई है। आर्य ने एक मजबूत आदिवासी सुलझे हुए नेता के रूप में अपनी छवि स्थापित की है। वे भाजपा सरकार में मंत्री पद पर भी रहे हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव में अंतर सिंह आर्य को 15,000 से अधिक मतों से कांग्रेस के ग्यारसी लाल रावत ने हराया था, मगर उसके बाद आर्य व उनके पुत्र विकास अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क करते रहे और सक्रिय रहे, जिस वजह से पार्टी ने पुनः आर्य को चुनाव में उतारा है। अब की बार आर्य का मुकाबला कांग्रेस की ओर से जयस जिला अध्यक्ष मोन्टू सोलंकी से है। आर्य को टिकट मिलने के बाद हमने उनकी पहली प्रतिक्रिया जानी एवं आगामी चुनाव में उनकी रणनीति की थाली। आप भी सुनिए क्या कहना है आर्य का। है आपको विधानसभा चुनाव में उतारा है, बीजेपी ने फिर विश्वास जताया है, पहली प्रतिक्रिया क्या है आप? सबसे पहले तो मैं जो हमारा दिल्ली का जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, मध्य प्रदेश के जो नेतृत्व है, इनको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक साधारण कार्यकर्ता को फिर से यहां पर उम्मीदवार बनाया है। इसके लिए मैं पार्टी को मतलब धन्यवाद दे रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर पूरे मुखिया को हम चुनाव लड़ा रहे हैं, इसलिए आपको चुनाव लड़ना है। तो मैंने वही पार्टी के आदेश का पालन किया और क्षेत्र में मतलब जो हमारी जो अधूरी जो योजना है उसका मेरा संकल्प है। पहला संकल्प है कि हमारे सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में हमने 50% क्षेत्र को मतलब सिंचित कर चुका हूँ, 50% है। हमने नर्मदा लिफ्ट इरिगेशन के पीछे लगे, आप सबको मालूम है कि चाचरिया के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा भी की है। 80 गांव वरला सेंधवा तहसील और 40 गांव वरला तहसील में प्रत्येक खेत में सिंचाई करवाना है और पंजाब और हरियाणा जैसा क्षेत्र में बनाने का मेरा संकल्प है और इसको मैं करवाऊंगा। दादा कैसा उत्साह देखा गया कार्यकर्ताओं में और क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? देखिए, मैं अभी 7:30 बज गई है, मैं 3:30 से यहाँ पर बैठा हूँ। पूरा कार्यकर्ता के पूरे झुंड के झुंड में आए हैं, मिलने के लिए आए हैं और कल का दिन भी हमने बुक किया है कि भाई कल दिन भर हम कार्यकर्ता से मिलेंगे। कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है चुनाव की दृष्टि से और मुझे सेंधवा की जनता के ऊपर पूरा विश्वास है कि आपके बाद भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिताएंगे और भाजपा को मतलब मुझे समर्पित करेंगे। दादा, ये कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, उनका काम जाने वो जाने, हमको तो भारतीय जनता पार्टी को जीतना है और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। धन्यवाद। अच्छा।